रजाक भाई, ये जो अभी जो दौर चल रहा है, पहले 4-5 days मैच, देन 1 day क्रिकेट, देन T20, देन T10, अभी ये कुछ फॉर्मेट एकदम, टी फाइव अभी पता टी नहीं टी आखिर वन में तो कुछ बोलेंगे टॉस उड़ा दो। T1 T2 हो जाएगा इनमें। तो ये जो क्रिकेट जो इवॉल्व हो रहा है, फास्टर होते जा रहा है डे बाय डे, इसमें एक इट इज द बेस्ट थिंग फॉर द क्राउड फॉर एंटरटेनमेंट, या दिस इज दिस कैन लैक फॉर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल्सो। देखिए, एज ए क्रिकेटर तो मैं कहूँगा कि जितनी क्रिकेट हो उतनी कम है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो प्लेयर कभी सोचता है कि मैं टीवी में आऊँ, मैं टीवी लाइव मैचेस हो, मैं खेल रहा हूँ, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। और T10 हो या T5 हो या T20 हो, ये ऐसे फॉर्मेट है जिससे प्लेयर, मैं समझता हूँ कि प्लेयर को इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर वो T10 खेले तो वो T20 वन डे और टेस्ट का भी सोचे। तो ये इस हद तक ना रहे कि जी मैं सिर्फ T20 या T10 ही खेलना है। तो ये प्लेयर के लिए बड़ा अच्छा है, और प्लेयर ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ कतर T10 में देखें, जितने प्लेयर्स आए हैं, लाइव टीवी पे भी चल रहे हैं, जियो पे भी, और भी काफ़ी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, जो प्लेयर ढूंढ रहे होते हैं T20 के लिए या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है। कोई भी अच्छा परफॉर्म करता है, मैनेज सीरीज होता है या मैनेज टूर्नामेंट होता है, तो वो उनको एक चीज़ मिल जाती है, ये प्लेयर हमें मिल गया है। एसेट हो जाता है। हाँ, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। जितनी क्रिकेट हो, मैं समझता हूँ उतनी ही कम है।